हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम ये क्रोशिया से फूल बनाएंगे। चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने 20 चेन डाली हुई है और 20 डबल क्रोशिया बना लिया है। जो डिज़ाइन मैंने यहाँ से शुरू किया है वो मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ। 20 डबल क्रोशिया मैंने ऑलरेडी बना ली हैं। अब मैं ये वाला पोर्शन बनाऊँगी, ग्रीन कलर वाला, लीव्स वाला। अभी मैंने ग्रीन धागा अटैच कर लिया है। सबसे पहले हमने 3 चेन बनानी है, 2 3। 3 चेन बनाने के बाद हमने उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट चेन में हमने डबल क्रोशिया बनाना है ऐसे। अब यहाँ क्या करना है, हमने फिर छोड़ेंगे हम ये वाला और अगले वाले होल में हमने 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है सेम प्लेस से। ये वाला हम स्पेस छोड़ देंगे और ये वाले प्लेस में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है हमने एक ही जगह पर। एक बार हमने डबल क्रोशिया बना लिया है, फिर से हम यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब एक ही जगह पे हमने 2 बार बना लिया है। अब हम ये वाला स्पेस छोड़ेंगे और अगले वाले में हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 बार। सेम प्लेस में हमने 2 बार बनाना है डबल क्रोशिया। फिर हमने ये वाला स्पेस छोड़ देना है, अगले वाले में हमने फिर से डबल क्रोशिया बनाना है। इस पूरी रो में हमने ऐसे ही करना है। यहाँ पे हमने 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। अब हमने ये वाला स्पेस छोड़ देना है, ये वाला स्पेस छोड़ के अगले वाले में हमने एक ही जगह से 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। पूरी रो को हम ऐसे बनाना है हमने पूरी लास्ट तक। हम लास्ट में आ गए हैं। अब ये वाला स्पेस छोड़ेंगे हम, ये वाला, और अगले वाले में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाना है एक ही जगह से। अब यहाँ पे हमने 1 बार डबल क्रोशिया बनाना है और लास्ट में एज स्टिच हमने डबल क्रोशिया बना के एंड करना है। इस तरह ये हमारे लीव्स बन गई हैं। अब हमने फ्लावर बनाना है। अब पीछे को टर्न हो जाएंगे। अब फ्लावर बनाने के लिए हमने रेड कलर की ऊन को अटैच कर लेना है। सबसे पहले हमने 3 चेन बनानी है, 2 3। 3 चेन बनाने के बाद हमने नेक्स्ट वाले चेन में डबल क्रोशिया बनाना है 1 बार। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, ये 2 डबल क्रोशिया जो हमने एक प्लेस में बनाई थी एक ही जगह से, ये वाली, यहाँ से हमने इसके बीच में हमने डबल क्रोशिया कितना 2 के बीच में ऐसे क्रोशिया को डालना है और ऐसे 1 बार कर लिया हमने ऐसे। फिर ऐसे धागा लपेटेंगे और फिर से ऐसे लेके 2 बार कर लिया हमने ऐसे। हमने 4 बार करना है, धागा लपेटेंगे जैसे हम डबल क्रोशिया बनाते हैं, और ये 3री बार हम ऐसे करेंगे। अभी इनको निकालना नहीं है। और ये हम 4थी बार। 4 बार करने के बाद सारे धागों को हम एक साथ ऐसे ले लेंगे और इनको ऐसे करके हम बाइंड कर लेंगे। ये हमारा फ्लावर बन गया। अब आगे फिर से हमने यही करना है, ये जो 2 डबल क्रोशिया थे इसके बीच में हमने क्रोशिया को लेना है। जैसे हम डबल क्रोशिया बनाते हैं ऐसे धागा लपेटना है, इसके बीच में से हमने धागे को ऐसे लपेटना है। और अभी इसको आगे बुनना नहीं है, ये हमने 1 बार कर लिया है।
ये दूसरी बार, ये हम तीसरी बार और ये हम चौथी बार, चार बार हमने ऐसे डबल क्रोशिया की तरह बना के फिर सबको एक साथ हम ऐसे निकाल देंगे। उसके बाद हम ऐसे चेन लेके ऐसे इसको बाइंड कर देंगे। आगे हमने सब ऐसे ही करना है, ऐसे धागा लपेटना है। ये दो डबल क्रोशिया के बीच में हमने क्रोशिया को ऐसे डालना है। ये हमने एक बार कर लिया है, ये दूसरी बार, ये तीसरी बार और ये चौथी बार। उसके बाद सारे फंदों को हमने एक साथ ऐसे निकाल लेना है। उसके बाद ऐसे हम इसको ऐसे बाइंड कर देंगे। लास्ट तक हमने ऐसे ही बनाना है। हम रो के लास्ट में आ गए हैं। फिर से हमने जैसे डबल क्रोशिया बनाते हैं ऐसे धागे को लेना है और ये दो के बीच से हमने क्रोशिया को डालना है ऐसे एक बार, ये दूसरी बार, तीन बार और ये चार बार। चार बार डालने के बाद हमने सारे फंदों को एक साथ हम ऐसे निकाल देंगे। उसके बाद एक चेन लेते ऐसे इसको बाइंड कर देंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे नेक्स्ट में ऐसे डबल क्रोशिया लेना है, लास्ट में एज स्टिच हम डबल क्रोशिया लेके इसको कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह यहाँ पे हमारा डिज़ाइन बनके कंप्लीट हो गया है। आगे फिर से हमने इस चेन के ऊपर डबल क्रोशिया से 20 क्रीम कलर से 20 डबल क्रोशिया बनानी है और उसके बाद हम फिर से ये डिज़ाइन रिपीट करेंगे। बनने के बाद बहुत सुंदर लगता है। इस डिज़ाइन को आप जैकेट में, कैप में, कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। बन के बहुत सुंदर लगेगा, एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।